पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चंद्रनगर स्थित रामचंद्र कन्या इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विचार गोष्ठी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नीलू मल्होत्रा, विशिष्ट अतिथि के रूप में कोमल जुगलान रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने वीरांगना महिला के गाथा को बताया और कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नारी की शक्ति को पहचानने के लिए उनको विस्तार से बताया, तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामचंद्र कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मधुबाला त्यागी ने सभी बच्चों का अभिवादन करते हुए कहा कि महिला किसी से कम नहीं है। महिला ने अंतरिक्ष में रॉकेट उड़ाकर ये साबित कर दिया है कि महिला सबसे आगे है। साथ ही उन्होंने कहा, जो भी महिला उत्पीड़न के कारण किसी से डरती है तो उनको डरना नहीं चाहिए और अपने साथ के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीलू मल्होत्रा, मधुबाला त्यागी, कोमल जुगलान, चकित चौधरी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग अवेयर है ना, आज क्या है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस महिला दिवस को सभी देश मनाते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो अब वो कारण नहीं रहा है जिसकी हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। आज की महिला या आप जो मेरे सामने ये सारी शक्ति स्वरूपा बैठी हुई है, क्या आपको महसूस होता है कि आप कमजोर हैं इसलिए महिला दिवस मनाया जा रहा है? आप सब ऐसा महसूस करती हैं? आप में से कोई ऐसा है जिसको महसूस होता है कि मैं अपने भाई से ज्यादा कमजोर हूं? तो अब इसका अर्थ यह है कि आज की महिला कमजोर नहीं है। आज रामचंद्र कन्या इंटर कॉलेज में महिला दिवस पर एक छोटी सी गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में साथ ही उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मीनू मल्होत्रा रही है और ये कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा संयोजित किया गया है। इस दिवस पर मेरा यही कहना है कि हम महिलाएं सबल हैं, अबला नहीं है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर हमने अपनी पहुंच नहीं बनाई है। अपने कर्तव्यों का ज्ञान रखने के साथ ही, कर्तव्यों को पाने के साथ ही हमें अधिकारों को भी पाना है। जब अधिकारों को पा लेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब हम सब लोग उस भारत देश को सुदृढ़ बना सकते हैं जो कभी पहले अतीत में गौरवशाली हुआ करता है। महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार को रोकने के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले महिला को खुद ही सुदृढ़ होना पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक बल से हो, मानसिक बल से हो, उसे सुदृढ़ होना खुद ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम सक्षम हैं तो फिर हम क्यों लाचारी के पात्र बनते हैं? ऐसी चीज़ें हैं जैसे टाइकांडो है, मार्शल आर्ट है, ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें सीख कर के महिला स्वयं भी उन अत्याचारों को रोक सकती हैं और साथ ही अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमानी से जो उनके प्रति मानसिक रूप से अत्याचार हो रहे हैं उनको भी वह रोक सकती हैं। समाज में जो पुरुष हैं, चाहे वो भाई के रूप में है, पिता के रूप में है या पुत्र के रूप में, उन्हें भी अच्छी सीख दे करके महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार को